आपको नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले एक शख्स ने 1995 में भी इस तरह का दावा किया था, लेकिन उस वक्त 1991 के वर्शिप एक्ट का दावा करने के बाद, या कहें कि ऐसी वर्शिप एक्ट का हवाला देकर उन्हें 3 महीने की सजा हुई थी। लेकिन अब मामला फिर अदालत पहुंचा है, आज अदालत में बड़ी सुनवाई होने वाली है। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा की आपको एक रिपोर्ट दिखाते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज अजय कृष्ण विश्वेश आज से ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई करेंगे। सबसे पहले ये तय होगा कि ये मुकदमा चलने लायक है या नहीं। अगर ये मुकदमा मेंटेनेबल है तो फिर उसके बाद हिंदू पक्ष के द्वारा जो ये कहा जा रहा था कि तथाकथित शिवलिंग जो मिला है वजू खाने में, उसको एक दीवार से ढका गया है, उसको तोड़ने की अनुमति दी जाए, और साथ ही जो ब्यास जी का कमरा है उसको एक दीवार से ढक दिया गया है, इन दोनों दीवारों को तोड़ने की जो मांग थी उस पर सुनवाई होगी। और ये तय होगा कि सर्वे में जो कुछ भी सामने आया है वो कितना कुछ निर्धारित करता है और उसके बाद और क्या ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अगर ये मामला मेंटेनेबल नहीं होता है तो हिंदू पक्ष के तमाम जो दावे हैं और तमाम जो याचिकाएं हैं वो वहीं खारिज हो जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके बाद कोर्ट में ये मामला मुस्लिम पक्ष उठाएगा कि सर्वे की रिपोर्ट कैसे लीक हुई है और कहाँ से लीक हुई है, और जिसने लीक की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये कह सकते हैं कि आज ये निर्धारित होने की संभावना है कि जो पूजा का अधिकार मांगा गया था 5 वादी महिलाओं के द्वारा, उस केस की परिणति किस रूप में होने वाली है। तो कुल मिलाकर आज वाराणसी के जिला जज के सामने ये तय होगा कि ये मामला आगे बढ़ेगा या यहीं रुकेगा, क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल, यानी आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल, कि क्या ये केस मेंटेनेबल है, और अगर ये केस मेंटेनेबल साबित होता है तो इसके बाद आदेशों की एक कड़ी लग सकती है, क्योंकि कई एप्लीकेशन जज के सामने पेंडिंग है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस खबर पर पल पल की अपडेट और पल पल की तस्वीर। बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।